हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज सुबह के 9:30 हो रहे, तो अभी उठा ही हूँ मैं। तो गाइस, सुबह सुबह उठा तो ऊपर आया तो सूरज दादा को प्रणाम किया, सूरज भगवान को प्रणाम किया। तो मंदिर में अच्छे अच्छे ऐसे भजन लग रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा कानों में सुन के भजन। आपके घर के पास ही मंदिर या गुरुद्वारा मस्जिद होगा तो मंदिर होगा तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, आपको भी काफ़ी अच्छा लगता होगा जब कान में सुबह सुबह मिलती है। मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है पंजाब में। तो कल को हवा चल रही थी, कल रात की हवा थी तो ठीक था मौसम, गर्मी नहीं, अभी भी गर्मी नहीं इतनी, ठीक है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं नीचे, नीचे जाके मिलते हैं, ब्रश वगैरह मुँह धोते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। अभी सूरज को पर सूर्य भगवान को प्रणाम करने के लिए आया था। उधरले कमरे में बैठे पापा, रोज़ की तरह पापा का रोज ही हो गया। अभी आज ही पापा 5 बजे उठ गए सुबह, तो मैं तो अभी 9 बजे उठा था। अभी पापा को ब्रश कराते हैं तो फिर जाए तुम बात करते हैं। पापा और मैं अपनी पीछे में पहुंच चुके हैं ब्रश करने की, तो पापा को ब्रश कराता हूँ। ठीक है, पापा को मैंने ब्रश करा दिया, मुँह धोवा दिया, वो बैठे पापा साइड पर। तो अभी खाने में क्या है, खाने में तो वो रात की दाल है जो काली, मीठे चावल बने घर पे ये खाएंगे, तो दाल हुई जो रोटी है बस वही खाएंगे। पापा ने भी खाना खाना नहीं, पापा कह रहे मैंने बाद में खाऊंगा, तो बाद में का साफ मैं मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैं दाल को तड़का लगाने जा रहा हूँ, जो कल रात को काली दाल बनी थी तो उसमें थोड़े मसाले मसूले कम थे, अभी मैं सोच रहा हूँ तो मैं दाल को तड़का लगा लूँ। बीच में तड़का लगाने वाला हूँ, दिखाता हूँ आपको। मैंने काट ली है हरी मिर्च का तड़का लगाने जा रहा हूँ, तो इसमें क्या बोलते हैं, मैंने घी डाला है, तो हरी मिर्च कुछ डाला है भी मैंने, तो अभी इसमें लून और लाल मिर्च हल्की सी डालेंगे तो बस तड़का लग जाएगा। भाई तड़का मैंने लगा लिया, दाल को लग गया, पर नीचे ना जो मिर्च थी वो उड़ने लगी, तो नाक में चलेगी, छींक आनी शुरू होगी। तो अभी तो भाई इसमें मैंने खाना डाल लिया है, तो यहाँ पे जो घर में मीठे चावल बनाए थे घर वालों ने, तो रोटी है ते और दाल। ठीक है भाई, पापा का रेडी खाना खा पे, मैंने तो अपना खाना खा लिया, तो पापा खाना भी रेडी हो गया, जो चपाती और दाल है पापा की, जी देते पापा को फिर बात करता हूँ भाई साहब से। बारह बज गए भाई सुबह के, अभी पापा ने तो अपना कर लिया है, तो बाहर आपको मौसम दिखाता हूँ मौसम कैसा है। ऊपर चलते हैं तो मौसम दिखाता हूँ। मौसम तो गाइस काफ़ी अच्छा हो गया ऊपर, तो बादल बुदल है तो बारिश लगता पड़ेगी आज, तो गर्मी है चलो राहत मिल जाएगी। तो ऊपर आया था आपको मौसम दिखाने के लिए, अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ तो नहाना है। तो गाइस ठीक है, अभी मिलते हैं नीचे, नहा नू लेता हूँ मैं भी। तो मौसम दिखाने के लिए आया था, मौसम काफ़ी मस्त हो चुका है, बादल बुदल है ऊपर, बारिश पड़ेगी, तो चलो ठीक है गाइस चलते हैं नीचे, तो नहाता हूँ फिर मैं, नहा के फिर मिलता हूँ। भाई सभी मैं नीचे आया था तो पापा कह रहे थे मुझे ऊपर लेके चल, तो पापा को ऊपर लेके चलते हैं। सभी पापा को ऊपर लेके आया था तो इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग गई ना, देखो कैसे पसीना पसीना हो गया। मैं अभी बोला था मौसम सही है तो गर्मी नहीं है, तो ऊपर लेके आना था पापा को, तो पसीना पसीना हो गया, चलने की जो पावर थी वो भी कम होगी। तो ठीक है मैं नीचे तौलिया मंगाता हूँ, नीचे से टावल मंगाता हूँ, मुँह पहुँचता हूँ अपना, फिर बात करता हूँ। आई थी तो पापा को ऊपर लेके, पापा को वॉशरूम आया था ऊपर, पापा को वॉशरूम लेके आया हूँ, क्योंकि हम निचला वॉशरूम है, वहाँ पे ऊपर कंपाउंड लगी है, नीचे कंपाउंड लगी नहीं, सीट ही नहीं है नीचे हमारे फ्लश, ऊपर सीट ही लगी है, तो इसलिए पापा को ऊपर लेके आना पड़ता है। ये देखो ये वॉशरूम है, पापा इधर ही गिरे थे तो पापा इस साइड पर बैठे थे, इस साइड पर तो पापा इधर ऐसे गिर गए थे, तो नीचे भी सीट लगवानी है हमने, लगवाएंगे। पापा बोल रहे हैं कि 2 दिन प्लम्बर को लेके आ, तो वो सीट लगवानी है, तो देखते हैं हम सीट लगवाएंगे नीचे भी, नीचे सीट नहीं लगी हमारे, कंपाउंड ऊपर लगा हुआ है, तो पापा फिर पापा को ऊपर लेके आना पड़ता है वॉशरूम, कुछ भी होता हूँ। धूप निकल चुकी है और देखेंगे बादलों में सूरज निकल आया है, तो धूप भी गाइस निकल आई है, मुझे लगा था पहले बारिश पड़ेगी लेकिन धूप निकल आई है बाहर, तो गर्मी फिर से हो जाएगी। मेरे पास कुछ पतंग पड़े हैं, काइट पड़ी है, तो कभी उड़ाए पड़े हैं, तो मैंने बोला था आपको ठीक है हम उड़ाएंगे कभी इसे भी, अभी नहीं, अभी बच्चे उड़ा रहे हैं, बच्चे उड़ा के फिर अभी हम नीचे आ गए, पापा को लेके मैं नीचे आ गया हूँ। तो गाइस मुझे लगता हूँ ऊपर टूटी जो थी अच्छे से बंद करके नहीं आए, देखते होते तो इसे ऊपर जाके बंद करते हैं। गाइस मुझे तो मैं टूटी अच्छे से बंद की, इसका जो स्पिनर लगता है मुझे वो लूज हो गया, वो भी ठीक कराना है, वो भी ठीक कराएंगे हम लोग।
अभी नहाते हैं, अभी मतलब नहाया नहीं, अभी 1:30 बज रहा है दोपहर का, तो नहाते हैं, फिर नहा के मैं मिलता हूँ। मैं नहा लिया अभी, अभी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, तो मैं नहा लिया। लंच का कुछ पता नहीं अभी लंच में क्या है, तो अभी तो मैं अभी नहाया। तो टी शर्ट जो मैंने कलर ली पहन ली, तो पड़ी थी तो कपड़े थोड़े थे, मुझे मिले नहीं कोई टी शर्ट अच्छे से, तो मैंने यही पहन ली। तो ठीक है गाइस, अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के, तो हम लोग अभी मोमोज बनाने वाले हैं, तो मोमोज देखते हैं दिखाता हूँ कैसे बन। सोयाबीन है, न्यूट्री है सोयाबीन की, पानी में भिगो दिया है। ये मैदे का, ये मैदा है, ये पाउडर होता है आटा मैदे का, उसको गूंद के मोमोज लंच मोमोज खाएंगे। सोयाबीन बड़ी, उसका चूरा तैयार कर लिया हम लोगों ने, ये तो इसमें रखेंगे कढ़ाई में, पानी रख लेंगे इतना का, छाननी के ऊपर मोमोज रख देंगे, तो बीच में रख देंगे इसके, तो इसमें ऐसे रख देंगे थोड़ा तेल लगा के छाननी में, तो यहाँ पे रख देंगे मोमोज तैयार हो जाएगा स्टीम से। तो गाइस ये मोमोज रेडी हो गए, जो मोमोज घर पे बनाए थे, इसमें वो सोयाबीन का ही चूरा होता है वो ही है इसके अंदर। तो चलो इसे खा के देखते हैं कैसा बना है। तो बना तो काफ़ी अच्छे मोमोज बने हैं, ठीक है अच्छे बने हैं। ये रेसिपी है जो मैंने अपने ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में डाली हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने मोमोज अभी खा लिए अपने, तो मिर्ची जोड़ी ज़्यादा पड़ गई थी बड़ी बहन से, तभी मैंने चीनी खाई अभी थोड़ी। 4:30 हो रहे हैं, तो अभी पापा को चाय दे रहा हूँ, तो ये चावल में जो मीठे चावल बने सुबह, तो वो है, तो चाय पापा को दे रहा हूँ साथ में। तो पापा दूध वाली चाय नहीं पीते, पापा काली चाय पीते हैं। तो ठीक है, सभी 6:30 हो रहे हैं शाम के, तो पर पतंगबाज सब पता नहीं कहाँ पे गए, कोई नहीं है, पतंगबाजी नहीं कर रहे, लगता है दोनों पार्टियों ने अपने हथियार डाल दिए है। 2 दिन तो इन्होंने काफ़ी गदर मचाया था, तो मौसम तो काफ़ी अच्छा है भाई ऊपर, तो अभी तो पतंग लड़के सभी गए हुए हैं अपने काम पर, तो कोई भी नहीं छत पे। तो वॉक मेरी होगी है, तो वॉक मैंने कर ली है, तो नीचे चलते गाइस। मैं नीचे आ गया हूँ, तो यहाँ पे रोटी बन रही है रात के डिनर का, तो डिनर में वो ही दाल होगी मेरे साथ। तो गाइस अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, तो पापा ने तो अपना डिनर कर लिया है, तो अभी मैं अपना डिनर करने वाला हूँ। तो डिनर तो दाल बची थी, उसको तड़का लगा लिया, तो मस्त कर ली, तो साथ में चपाती है, बस यही है, यही करेंगे आज का डिनर। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट।